आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। वैदिक ज्योतिष अनुसार कुंडली में कुछ ऐसे अशुभ दोष विद्यमान होते हैं जिनकी वजह से मनुष्य को जीवन में कामयाबी नहीं मिल पाती। आपको बता दे कि ऐसा ही एक दोष होता है पितर दोष, जिसके कारण मनुष्य कर्म तो बहुत करता है पर उसको भाग्य का साथ नहीं मिलता है, साथ ही जिंदगी भर उसे संघर्ष करना पड़ता है। करियर और व्यापार में बार बार असफलता हाथ लगती है। जानकार विद्वानों के अनुसार ज्योतिष शास्त्र यह भी व्यवस्था देता है कि भगवद गीता के सातवें अध्याय का पाठ करके भी पितर ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूलिए। शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है तो उसके भाग्य का निर्धारण पहले से हो जाता है। जन्म के समय ज्योतिष विद्या के माध्यम से उस व्यक्ति की ग्रहों और नक्षत्रों की चाल से कुंडली बनाई जाती है। कुंडली में कई तरह के दोष पाए जाते हैं, उन्हीं में से एक दोष होता है पितर दोष। ज्योतिष में पितर दोष को अशुभ और दुर्भाग्य का कारक माना जाता है। कुंडली में पितर दोष तब होता है जब सूर्य, चंद्र, राहु या शनि में दो कोई दो एक ही घर में मौजूद हो। जिन लोगों की कुंडली में पितर दोष बनता है उन्हें तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। पितर दोष होने पर उस व्यक्ति के जीवन में उसे कई तरह के संकेत मिलते हैं। दरअसल पितर दोष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पितर और दोष। पितर का अर्थ होता है पूर्वज या हमारी पिछली पीढ़ी के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है और दोष का अर्थ होता है श्राप। ऐसे में पितर दोष का अर्थ हुआ हमारे पितरों से संबंधित श्राप। ज्योतिष की दुनिया में सबसे व्यापक ग्रंथों में से एक माने जाने वाला बृहत पाराशर होरा शास्त्र भी इस बारे में दावा करता है कि पितर दोष का संबंध हमारे पिछले जन्मों से भी होता है। जानकार विद्वानों का मत है कि पितर दोष कुल 8 तरह के होते हैं जो किसी कुंडली में ग्रहों के अलग अलग संयोजन के चलते बनते हैं, लेकिन उन सभी में से पितर दोष के रूप में वर्गीकृत किया जाता है सर्प श्राप, पितर श्राप, मातृ श्राप, भ्रातृ श्राप, मातुल श्राप, ब्रह्मा श्राप, पत्नी श्राप और प्रेत श्राप। ये 8 प्रकार के श्राप है। इन श्रापों का प्रभाव विभिन्न तौर पर हमारे जीवन पर नकारात्मकता के रूप में पड़ता है। हालांकि मुख्य रूप से यह युवाओं को प्रभावित करते हैं। हालांकि जानकार विद्वानों के द्वारा यह बात पूरी तरह स्पष्ट की गई है कि यह योग जटिल ग्रह विन्यासों के चलते निर्मित होते हैं, जिन्हें एक आम व्यक्ति या किसी नवसिखिया के लिए समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में इन विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको खुद गहन शोध करने या फिर किसी प्रसिद्ध और अनुभवी ज्योतिषियों से परामर्श लेने की सलाह दी जाती है। आपसे अनुरोध है कि इन योगों के बारे में जानने के बाद चिंतित या घबराने से बचे और बल्कि अपने लाभ और इन दोषों का अपने जीवन से दुष्प्रभाव हटाने के लिए उपाय के बारे में विचार करने और जानकार विद्वानों से परामर्श अवश्य कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली में पितर दोष कैसे बनता है एवं उससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वैदिक ज्योतिष अनुसार अगर कुंडली में राहु ग्रह अगर केंद्र स्थानों या त्रिकोण में हो और उनकी राशि नीच यानी कि नकारात्मक स्थित हो तो पितर दोष का निर्माण होता है। अगर राहु का संबंध कुंडली में सूर्य और चंद्र ग्रह से हो तो ऐसी कुंडली में पितर दोष बनता है। वहीं अगर कुंडली में राहु का संबंध शनि या बृहस्पति से हो तो भी कुंडली में पितर दोष बनता है। राहु अगर द्वितीय या अष्टम भाव में हो तो भी ऐसी कुंडली में पितर दोष का निर्माण होता है। नवम स्थान में अगर नीच के राहु विराजमान है तो भी पितर दोष लगता है। अब जानिए कि पितर दोष के चलते क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कुंडली में पितर दोष होने पर संतान संबंधी समस्याएं होती है।
जातक को संतान पैदा करने में दिक्कतें आती है। पितर दोष होने पर पीड़ित व्यक्ति को हमेशा धन की कमी बनी रहती है और पैसा का नुकसान होता है। कुंडली में पितर दोष होने पर शादी में तमाम तरह की परेशानियां आती है। शादी होने के बाद भी पति पत्नी में अक्सर विवाद बना रहता है। पितर दोष होने पर व्यक्ति हमेशा विवाद और मुकादमों के चलते परेशान रहता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितर दोष के लक्षण होते हैं तो उसके परिवार के सदस्य हमेशा बीमार रहते हैं, जिसके कारण से हमेशा अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर रहते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के विवाह में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मनचाहा जीवन साथी मिलने में परेशानी आती है। अब जानिए क्या होते हैं पितर दोष के लक्षण। पितर दोष हो तो इंसान को जीवन में कई समस्याएं आती है। अगर आपके घर में या आपके जीवन में पितर दोष है तो जरूर आपके साथ असामान्य घटनाएं घटित होती होंगी। साथ ही परिवार में कलेश या बीमारी, रिश्तों में दूरियां, हर वक्त तनाव, उन्नति में रुकावट, आर्थिक समस्या आदि होती रहती है। व्यापार में घाटा होता है। साथ ही कोई असाध्य रोग हो जाना, कई बार बिजनेस का बदलना, संतान होने या संतान के भविष्य की चिंता हमेशा रहना, कोई भी प्लानिंग का सफल न होना, ऐसे कई संकेत हैं जो इशारा करते हैं कि कुंडली में पितर दोष हो सकता है। संतान प्राप्ति में परेशानी, संतान के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित परेशानियां, परिवार में योग्य जातकों का विवाह ना हो पाने की समस्या या रुकावटें, घर में नव विवाहितों के वैवाहिक जीवन में परेशानियां, परिवार के सदस्यों को बार बार स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जूझना पड़ सकता है, परिवार के सदस्यों के बीच कलह लड़ाई झगड़ा और घर में अशांति का माहौल, आर्थिक परेशानियां, अनिश्चितताएं और नुकसान, व्यावसायिक जीवन में लाभ न मिल पाना, सपने में अपने पूर्वजों को परेशान या दुखी देखना, या परिवार में अपमान और सम्मान की हानि होना। कुछ मामलों में अगर पितर दोष ज्यादा प्रबल होता है तो यह परिवार में अचानक मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अब जानिए पितर दोष के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए पितर दोष निवारण पूजा है सबसे सटीक उपायों के बारे में। जानकार विद्वानों का कहना है कि पितर दोष के निवारण हेतु अनुष्ठान आदि करवाना उचित होता है। इसके साथ ही आप कुछ उपाय कर पितर दोष के प्रभावों को कम करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। इन उपायों में घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाए और उनकी तस्वीर के सामने दिया धूप या अगरबत्ती जलाए। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें और उनके द्वारा आपको दिए गए जीवन के लिए उनका आभार व्यक्त करें। तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल लेकर इसमें काले तिल डालें और फिर इसे सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा करते समय अपने पूर्वजों को याद करें और उनसे प्रार्थना करें। विशेष तौर पर यह उपाय आप श्राद्ध पक्ष के दौरान रोजाना नियमित रूप से कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करें। आटे का दिया बनाकर रात के समय उनके सामने प्रज्वलित करें और अपने पितरों की तृप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। श्राद्ध पक्ष के दौरान यह उपाय भी आप रोजाना कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और उसकी पूजा करें। श्राद्ध पक्ष के दौरान आप यह उपाय नियमित रूप से करें। रोजाना सुबह सवेरे पहली रोटी गाय को खिलाएं, उसके बाद गवों को और फिर गली के कुत्तों को खिलाएं। यह उपाय भी आप श्राद्ध पक्ष के दौरान नियमित रूप से करें। घर में पितर दोष के निवारण हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, पूर्वजों के फोटो के साथ पूजा करें, पीपल को जल चढ़ाए, घर में तुलसी का पौधा लगाए आदि उपाय आप अपना सकते हैं। परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति पितरों की संतुष्टि के लिए भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। ब्रह्मा पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान मृत्यु तिथि पर अपने पूर्वजों के नाम से श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, दान करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है।
पुजारी को अपने घर पर आमंत्रित करें, उन्हें कपड़े, भोजन, मिठाई, फल और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करें। अमावस्या तिथि पितर देवताओं के लिए निर्धारित की गई है, ऐसे में इस दिन अपने पितरों के नाम से दान अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन कोई भी व्यक्ति अपने मातृपक्ष या पितर पक्ष के पूर्वज यहाँ तक कि अज्ञात और असंतुष्ट पितरों के लिए भी श्राद्ध कर सकता है। इसलिए अपने सभी पितरों और परदादाओं की संतुष्टि के लिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि पर उन्हें वस्त्र, भोजन, मिठाइयाँ, फल और अन्य आवश्यक वस्तुएं पुरोहित को भेंट करें। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि पर यथाशक्ति अनुसार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। पितर दोष निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र से शिव जी का अभिषेक करें। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, इससे पितरों को शांति मिलती है। प्रतिदिन पितर कवच का पाठ करें, ऐसा करने से पितर दोष की शांति होती है। प्रतिदिन इष्ट देव व कुल देवता की पूजा करें, ऐसा करने से भी पितर देव शांत होते हैं। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाए और नाग स्तोत्र महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। नियमित रूप से रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। घर के दक्षिण वाली दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर फूल माला से पूजा करें, ऐसा करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा भाव से विधिवत तर्पण करने से आपके पितर जरूर तृप्त होते हैं। तर्पण मात्र से ही पितर प्रसन्न होते जाते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही आपको पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है। पितर पक्ष में हर दिन सुबह आप पहली रोटी गाय और दूसरी कुत्ते के लिए अलग रखेंगे और कुत्ते को रोटी खिलाने से पितर दोषों का प्रभाव कम होता है। पितर पक्ष में प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर कच्चे दूध के साथ जल चढ़ाना चाहिए, इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ये उपाय सभी को पितर पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और घर में गीता का पाठ करना चाहिए। जब तक पितर पक्ष चल रहे हो, नियमित रूप से आपको गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितर पक्ष में पितर कौं के रूप में इस धरती पर आते हैं, तो आप पितर पक्ष में प्रतिदिन कौं को खाना खिलाने के लिए घर की छत पर भोजन जरूर रखें। यदि आप हर रोज नहीं रख सकते तो विशेषकर अमावस्या पर कौं को खाना अवश्य खिलाएं, इससे पितर देवता प्रसन्न होते हैं। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी पितर दोष से मुक्ति मिलती है। 16 बताशे लीजिए, उन पर दही रख कर पीपल के वृक्ष पर रख दीजिए। पीपल के वृक्ष पर बताशे रखने के बाद आप पीछे मुदकन देखें। इन 15 दिनों में आपको ये उपाय कम से कम 3 बार तो करना ही है। आप पितर पक्ष में सूर्य को अर्घ्य दे और साथ ही 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय आप पुष्प, रोली या फिर लाल चंदन मिश्रित जल से ही अर्घ्य दें, सादे जल से अर्घ्य न दें। इस उपाय को करने से पितरों को शांति मिलती है, साथ ही आपके पितर प्रसन्न होते हैं। आप कोई भी एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक यानी पूरे एक महीने तक पीपल के वृक्ष पर सूर्योदय के समय घी का दीपक जले। आपको ये क्रम नहीं तोड़ना है, आपको पूरे महीने ये उपाय करना है। 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ और घी के मिश्रण को कंडे, उपले पर जलने से भी पितर दोष का निवारण होता है। घर के उत्तर पश्चिम घर का वास्तु सुधारे और ईशान कोण को मजबूत एवं वास्तु अनुसार बनाएं। मैं आप पितर पक्ष में हर रोज एक दीपक जलाए। दीपक में आप सरसों और अगर का तेल बराबर मात्रा में डाले। दीपक कम से कम 10 मिनट तो जलना ही चाहिए। ये बहुत ही सरल और लाभकारी उपाय है। आप सभी को पितर पक्ष में ये उपाय जरूर करने चाहिए। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है।
यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।